चुनाव नज़दीक है और जब से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी बने हैं तब से लगातार उनका प्रयास रहा है कि सभी प्रदेश के नेताओं से उनकी मुलाकात हो और जिस निमित्त बैठक होती रही है उसके दरमियान हमारी बारी आज है, कल बिहार की बारी है, तो हम लोग आज सभी लोग मंथन करेंगे संगठन को लेकर। झारखंड के संदर्भ में कितना महत्वपूर्ण हो जाती है ये मीटिंग? निश्चित रूप से महत्वपूर्ण है, हमारे सारे आला नेता वहाँ रहेंगे, मौजूद रहेंगे, आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी, आदरणीय राहुल गांधी जी, केसी वेणुगोपाल जी, अविनाश पांडे जी और तमाम जो झारखंड के वरिष्ठ नेतागण हैं सभी लोग वहाँ मौजूद रहेंगे, तो निश्चित रूप से एक चर्चा जो होगी वो सकारात्मक चर्चा होगी और उससे झारखंड में जो हम लोग सशक्तिकरण का संगठन का अभियान चला रहे हैं उसको और मजबूती मिलेगी और ताकत मिलेगी। राजेश ठाकुर जी के मन में कोई सजेशन है या कोई ऐसी भाव है कि क्या वहाँ पर रखेंगे, क्या डिमांड करेंगे झारखंड के संगठन के लिए? नहीं, देखिए झारखंड का संगठन अंतिम व्यक्ति तक पहुँचे जो उसकी कवायद हम चला रहे हैं उसमें हमें कितने ताकत के साथ लगना है और हम चाहते हैं कि हमारे जो वरिष्ठ नेता हैं, हमारे आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी हैं, राहुल गांधी जी हैं, प्रियंका गांधी जी हैं, उन सबका हमने समय मांगा है, तो उसमें हमें सहमति मिल जाए तो झारखंड में हम सभी प्रमंडल में अपना कार्यक्रम चालू करेंगे। कितने सदस्य लगभग झारखंड से जाएंगे? झारखंड से 34 लोगों को जाने का मौका मिल रहा है और उस पर हम लोग चर्चा करेंगे, उसके बाद फिर यहाँ आकर के जो वहाँ से हम लोगों को मार्गदर्शन मिलेगा उसको आगे हम लोग नीचे तक ले जाएंगे। कांग्रेस सबसे बड़ी राष्ट्रीय पार्टी आज़ादी के साथ से लेकर अब तक, अब गठबंधन में इसको अपना सहारा ढूंढना पड़ रहा है, क्या आपको नहीं लगता कि एक बार बिना गठबंधन का चुनाव लड़ना चाहिए, पार्लियामेंट्री चुनाव? आप ये प्रधानमंत्री जी से तो सवाल पूछ नहीं सकते क्योंकि वो आपसे मुखातिब नहीं होते, 28 दलों को साथ लेके चले तो उनसे कोई सवाल नहीं पूछता है, हमसे सवाल पूछता है। हम लोग तो शुरू से इसके वो रहे हैं, पैरोकार रहे हैं कि सभी दलों को जो रीजनल पार्टीज हैं और सभी लोग जहाँ जिससे अंतिम व्यक्ति तक हम लोग पहुँच पाए सभी लोगों को एकत्रित करके चलना है। मुकाबला देश में भ्रष्टाचार को लेकर के है, महंगाई को लेकर के है, बेरोजगारी को लेकर के है और उसको साधने के लिए निश्चित रूप से सभी लोगों को साथ आना चाहिए और इसलिए हम लोगों ने इंडिया गठबंधन बनाया है और जब से इंडिया गठबंधन बनाया है तब से लोगों के पेट में दर्द हो रहा है और इस तरह के सवाल आते रहते हैं। सीट शेयरिंग पर भी बात होगी? नहीं, देखिए अभी हम लोग जा रहे हैं, क्या क्या बात होगी निश्चित रूप से जब वहाँ हम लोग मीडिया को ब्रीफ करेंगे, हमारे प्रभारी अविनाश पांडे तो ज़्यादा बेहतर बता पाएंगे, जब तक बैठक नहीं हो जाती उसमें क्या क्या चर्चा होती है उस संदर्भ में अभी कहना मुश्किल होगा। अपने राज्य से जुड़ी हर ताज़ा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।